और एक मुद्दा भी बहुत गर्म हो गया है, सीता सुरन का जो अपमानित किया गया है, इससे पूरे देखिए ये कांग्रेस पार्टी शुरू से झारखंड के साथ इसी तरह की चलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का संस्कार ही वही है। चंपाई सोरेन को मिला झामुमो के बागी रामदास टुडू का समर्थन, बोले चंपाई हर तरफ भाजपा की लहर। अगली सरकार भाजपा की तय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी रामदास टुडू का भी समर्थन मिल गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद रामदास टुडू ने खुलकर चंपाई सोरेन का विरोध करना शुरू कर दिया था, मगर जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के बागी गणेश महाली को टिकट थमाया, रामदास टुडू ने चंपाई सोरेन को अपना समर्थन दे दिया। सोमवार को गिरिडीह से लौटने के क्रम में रामदास टुडू ने चंपाई सोरेन से मुलाकात की और उन्हें अपना नैतिक समर्थन देते हुए उनके पक्ष में प्रचार करने का भरोसा दिलाया। बता दें कि चंपाई सोरेन और रामदास टुडू पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हुआ करते थे, मगर बदले सियासी समीकरण के बाद दोनों ही नेता अब बीजेपी के समर्थन में उतर गए हैं। चंपाई सोरेन को भाजपा ने सरायकेला से टिकट थमाया है। वहीं अपनी जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में भाजपा की लहर है, झारखंड में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इस दौरान चंपाई सोरेन को उनके समर्थकों ने घेर कर जीत का भरोसा दिलाया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। हर जगह भाजपा का लहर है, आज का वहाँ नॉमिनेशन सभा में पूरा जन सैलाब उमड़ के आ गया। माने झारखंड की जनता पूरा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने से पहले से है, अभी और बढ़ चढ़ते हुए। और एक मुद्दा भी बहुत गर्म हो गया है, सीता सुरन का जो अपमानित किया गया है, इससे पूरे देखिए ये कांग्रेस पार्टी शुरू से झारखंड के साथ इसी तरह की चलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का संस्कार ही वही है। कांग्रेस पार्टी कभी महिला को सम्मान नहीं देगी। आज सीता सोरेन के ऊपर में जो सबसे चलाया और उसी के साथ गठबंधन का एक शब्द भी नहीं बोलना, ये दुर्भाग्य की बात है। आगे इस पर क्या रणनीति होगा? अभी चुनाव में है, जनता वो एक एक चीज जनता समझ लिया है। आज जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे। आप दादा बोलेंगे कि कुछ दिनों से जेएमएम में थे आप इधर और दादा इधर आ गए, तो आप तो आए नहीं। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।